ओटावा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कनाडा में गैर मुल्कियों के रिहायशी अमला खरीदने पर पाबंदी इतवार से नाफिज अल अमल होगी, जिसका मकसद रिहायशी बहरान का सामना करने वाले मकामी लोगों को मजीद मकानात फ्राहम करना है। इस एक्ट के तहत कई अफराद को अस्तिस्ना भी हासिल है, जिसमें पनाकजीन और मुस्तकिल रिहायशी शामिल है। हुकूमत ने यह भी वासिया किया है कि पाबंदी का इतलाक सिर्फ शहरी रिहायश गाहों पर होगा। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक गैर मुल्कियों के रिहायशी अमला खरीदने पर पाबंदी का ऐलान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 2021 की इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था, क्योंकि मुल्क में रिहायशी अमला की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थीं और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थी। इलेक्शन में लिबरल पार्टी की फतह के बाद खामोशी से इस एक्ट का नफाज कर दिया गया, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के रिहायशी अमला की खरीदारी पर पाबंदी है।